तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम बात कर रहे हैं आपके साथ पावर क्यूरी के ऊपर। पावर क्यूरी से पहले हम बात करेंगे एमएस क्यूरी के। हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि किस तरीके से हम फ्रॉम फाइल पे जाते हैं और किसी डेटा को इंपोर्ट करते हैं, राइट सर। जैसे कि मान लीजिए कि मैं डॉक्यूमेंट में गया और डेटा बी को सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर, और हमने डेटा को सिलेक्ट किया और यहां पे अब यहां पे इसे लोड का ऑप्शन आया सर। तो जब आप इसको लोड कर देंगे तो क्या होगा कि पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा, बट मुझे जो लोड करना है वो सिर्फ मुझे यूरोप का डेटा चाहिए। तो मैं लोड करने के बाद फिर उस पर फिल्टर लगाऊं, उससे अच्छा है कि मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूं। जैसे ट्रांसफॉर्म में क्लिक करूंगा मुझे खुलेगा पावर क्यूरी एडिटर, और बता दूं ये पावर क्यूरी एडिटर 2016 और 19 में है। अब यहां पे मेरे रीजन में आया और रीजन में आने के बाद मैंने यहां सिर्फ यूरोप को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब फिर मैं लोड एंड क्लोज कर, डेटा आ गया। अब देखिए सिर्फ यूरोप का डेटा है सर। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या 2007, 10 और 13 में नहीं किया जा सकता है ऐसा? जी हाँ, किया जा सकता है। तो उसका तरीका अलग है। क्या तरीका है? तो यही पे आपको दिखेगा अदर सोर्सेज में माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहां पे आप एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करके ओके कीजिए, और उसके बाद आप अपने लोकेशन में आए कि आपका फाइल कहां पड़ा हुआ है उसको सिलेक्ट करें, एंड यहां से आप अपना ड्राइव चेंज कर सकते हैं, यहां से अपना फोल्डर चेंज कर सकते हैं, यहां से आपका एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं, फिर इसमें हम ओके। अब यहां पे देख रहे जब आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो इस तरह का मैसेज है, सिर्फ फर्स्ट टाइम, कि दिस डेटा सोर्स कंटेन नो विजुअल टेबल, आप ओके कीजिए तो इस तरह का विंडो आपको दिखेगा। इसी में आप ऑप्शन पे आ जाए, ऑप्शन पे आने के बाद आप यहां सिस्टम टेबल पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें सिस्टम टेबल, फिर ओके करेंगे तो आपकी शीट, इसमें सिर्फ एक बार करना है, फिर इन फ्यूचर में कभी करना की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे इसमें से क्या पूरा का पूरा कॉलम चाहिए? अगर कोई कॉलम नहीं चाहिए तो एक एक करके भी लोड कर सकते हो, या इसको सिलेक्ट करके पूरा लोड कर सकते हो, या इसमें से कोई चीज हटाना है। जैसे मुझे इसमें से मान लीजिए कस्टमर्स को हटाना है, तो मैंने यहां से हटाया। इस तरह से कोई पर्टिकुलर कॉलम को ले सकते हैं, किसी कॉलम को छोड़ सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट किया, अब बात आती है फिल्टर की, कि क्या कोई फिल्टर चाहिए? जी हाँ, मुझे प्रोडक्ट में मुझे यहां पे इक्वल और मुझे यहां पे चाहिए यूरोप, या ईयर ले लेता हूं, एक काम करता हूं ना, मैं इसके काम करता हूं, दो भी दे सकता हूं मैं यहां पे, तो मैं इसको करता हूं नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश एंड ओके। ये देखिए आपका सिर्फ यूरोप का रहता है। अब ये चीजें आप कर सकते हैं पूरे के पूरे एप्लीकेशंस में, चाहे 7 हो चाहे 13, 16, सब पे कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर मुझे क्वार्टर 2 का डेटा चाहिए, तब क्या करूंगा? इसमें अगर मान लीजिए यूरोप, मान लीजिए यूरोप की जगह पे मुझे कोई और रीजन चाहिए, तो इसपे तो आपके पास यहां इसमें डेटा मेनू बार में अगर आप जाते हैं तो यहां आपके पास क्यूरी एंड कनेक्शन दिखता है। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका वापस क्यूरी एडिटर खुल जाता है, खुल गया। और यहां पे आप यूरोप के जगह पे आप कोई और कर लीजिए, जैसे मैं साउथ नॉर्थ अमेरिका कर लीजिए एंड ओके कर दीजिए, यहां पे अप्लाई एंड क्लोज कर। अब यहां पे मुझे नॉर्थ अमेरिका, लेकिन इसमें कैसे करेंगे? एमएस क्यूरी में
तो एमएस क्यूरी में भी राइट क्लिक करके आप उसकी प्रॉपर्टी में चले आए, डेफिनेशन, यहां देखिए एक एसक्यूएल क्यूरी से लगा हुआ है। और अगर आपको थोड़ा भी एसक्यूएल क्यूरी आती है तो आप इसका यूज कर सकते हैं कि आप यहां यूरोप को डिलीट करें और उसके जगह पे आप नॉर्थ अमेरिका डाल के ओके कर दें। अब आपका नॉर्थ अमेरिका क्या आ गया, क्लियर है सर? फिलहाल इसमें जो तीन शीट्स है ना, इसमें एक वर्कबुक में तो हम तीनों शीट एक बारी में ला सकते हैं? ला सकते हैं, मैं वही बता रहा हूँ कि फिलहाल जो है हम ये पावर क्यूरी को छोड़ते हैं और हम बात करते हैं एमएस क्यूरी के ऊपर, ठीक है? अब मैं जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहां पे कुछ ऐसा ऑप्शन हो जो कि मैं चेंज करूं, मतलब कि जो भी सिलेक्ट करूं उसके हिसाब से आए, मतलब कि मुझे बार बार वहां क्यूरी में चेंज ना करना पड़े। मैं यहां पे ईयर चाहता हूं, मैं जो ईयर यहां एन पे लिखूंगा उसी ईयर का आना चाहिए, तो उस केस में कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें वापस जाना होगा अदर सोर्सेज में, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के अंदर एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करके ओके करना है और फिर यहां पे अपना फाइल को सिलेक्ट करना है एंड ओके करना है। फिर डेटा शीट को लेते हैं नेक्स्ट, और यहां हम ईयर को एक बार यहां पे एक बार फिल्टर लगा देते हैं इक्वल 2000 हमने थ्री कर दिया, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश एंड ओके, ये आपका आ गया। अब मैं चाहता हूं कि एन के ऊपर मैंने जब 2004 डाला कि यहां पे डेटा हमारा 2004 का चेंज हो जाना चाहिए, तो इसके लिए हमें डेटा पे जाना होगा, यहां इसकी प्रॉपर्टीज पे मत क्लिक कीजिएगा, कनेक्शंस पे जाइएगा और कनेक्शंस पे इसके प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक कीजिएगा, डेफिनेशन में आइएगा और यहां आपके सामने जो 2003 इक्वल टू लगा है इसको डिलीट करके इसके जगह पे जस्ट क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ध्यान रखिए क्या दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क, और जैसे आप ओके करेंगे आपसे पैरामीटर पूछेगा, क्या पूछेगा, पैरामीटर, तो यहां आप पैरामीटर को सिलेक्ट कर लीजिए, कर लिया आपने। और यहां यूज वैल्यू रेफरेंस द फ्यूचर रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑटोमेटिकली व्हेन द वैल्यू चेंज, इन दोनों पे टिक कर दीजिएगा एंड ओके। अब यहां पे मैं 2005 डाल के एंटर मारूंगा, पूरा डेटा हमारा 2005 के अकॉर्डिंग आएगा, सिर्फ 2005 का आएगा। सर ये मल्टीपल चाहना है तो 3 और 4, 5 एक साथ चाहिए तो नहीं, अगर आपको मल्टीपल चाहिए होगा ना तो फिर आपको क्यूरी में एडिट करना होगा। मैं 2000 मुझे यहाँ पे 2004 एंड 2003 का चाहिए, राइट? तो आपको यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा, इसमें डेटा में जाएंगे और कनेक्शन प्रॉपर्टीज, इस पर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या, थोड़ा सा क्यूरी कमांड पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक और का फॉर्म और देंगे और ये जो दिया हुआ ना जैसा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पे मैं इसको पेस्ट करूंगा। अब जैसे मैं इसको ओके करूंगा, अब ये पैरामीटर्स 2 के बारे में पूछ रहा है, 1 तो दे चुके हैं ना, पैरामीटर में आऊंगा और मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। तो पैरामीटर 3, 4 भी कर सकते हैं सर? जी हाँ कर सकते हैं, फिर वो लेंदी हो जाएगा सर, क्योंकि अभी देखा है, अभी जो मेरा ये है कि 2003 एंड 4 के बारे में दिखा रहा है, राइट? सो ये पैरामीटर 2004 और 3 के यहाँ पे डेटा आ रहा है, 3 आ गया और नीचे अगर मान लीजिए मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, यहाँ दिख रहा है आपको, दिक्कत हो गया सर? दिक्कत तो आपको यहां पे जो क्राइटेरिया डालोगे वो आप डालना ही पड़ेगा कि 2000 यहां पे 5 चाहिए, तो 2004 एंड 5 आएगा। और सर मल्टीपल कंडीशन अगर डालना हो तो मुझे, मैं जो क्वेश्चन भेजने वाला हूँ सेम इसी टाइप का है, सपोज मेरा रीजन रहेगा यूरोप, ठीक है,
वो चीजें आप डाल सकते हैं, वो चीजें आप डाल सकते हैं, जैसे कि आपने शायद आपने ध्यान नहीं दिया था कि अब यहाँ पे एंड और लगेगा भाई, यूरोप के अंदर पूरा थ्री होना चाहिए तो यहाँ पे एंड लगेगा, समझे ना। और यहाँ जो आपने प्रॉपर्टी में क्यूरी देखा था ना आपने यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे डेटा डॉट ईयर दिख रहा है आपको, ईयर क्या है, ईयर हमारे फील्ड का नाम है। अगर आपको दूसरी कंडीशन जो लगाना है वो लगाना है मान लीजिए रीजन से, तो यहाँ पे रीजन हो जाएगा। ओके सर, ओके गॉट इट। ऐसे तीसरा चौथा, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा एंड और हाँ दूसरी चीज ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी भी लिमिटेशन है, जैसे कि हर किसी की लिमिटेशन होती है। अब एक सेम फीचर हम पावर क्यूरी में नहीं कर सकते, राइट सर, समझ में आ गया आपको? ओके, क्यूरी समझ में आ गया जी सर। अब जैसे कि एकता जी की सवाल पे हम बात करते हैं कि उनके पास दो तीन टेबल है, तो दो तीन टेबल में दो चीजें होती है, एक तो होती है रिलेशनशिप, जैसे कि अगर मैं डेटा कोई बनाता हूं, जैसे कि यहाँ पे हमारा हो गया सेल्स और यहां हमारा हो गया प्रोडक्ट, राइट सर। तो यहां पे हम डेट और यहां पे हमने क्वांटिटी दिया होगा, सिंपल सा एक डेटा बना रहा हूं, और दूसरा प्रोडक्ट में आईडी नेम और यहां पे एमआर, जिसे कि हमने पावर पिवट में किया था, याद होगा आपको। अच्छा, ये इसका यूज जो है पावर पिवट की तरह ही करते हैं। अब मैं इसको सेव कर देता हूं, अब इसको सेव कर देता हूं आर जी के नाम से, कहां पे डॉक्यूमेंट में। अब इसको क्लोज करता हूं। अब मुझे जो डेटा चाहिए उसमें चाहिए, मुझे जो रिपोर्ट चाहिए उसमें डेट होगा, पीआईडी होगा, क्वांटिटी होगा, समझ गया ना, ये दोनों होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यहां आते हैं एमएस क्यूरी में, अदर सोर्सेज, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, एक्सेल फाइल को सिलेक्ट किया, देन ओके, और यहाँ हमने अपना जो आरडी है ना सिलेक्ट करके ओपन कर। अब इसका सीट हमारा जो है यहाँ पे मान लीजिए कि हमने सेल्स को लिया हुआ, सेल्स को लिया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहां दिखा हुआ व्यू डेटा इन एडिट क्यूरी माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। जैसे पावर क्यूरी के लिए अलग खुला था ना, ऐसे आपका माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के लिए भी एक अलग से विजार्ड खुलेगा, ठीक है। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा न्यू क्यूरी, यहां पे ओपन क्यूरी, ये आपका सेव फाइल एसक्यूएल, यहां पे एसक्यूएल क्यूरी भी आपको दिख रहा होगा, और यहां पर दिखता है एड टेबल। एड टेबल में हमने यहां पे सेल्स को ऐड किया, हम प्रोडक्ट को भी ऐड कर, राइट सर। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाना है, तो हमने इसको प्रोडक्ट को उठाया और पीआईडी के ऊपर ड्रॉप कर दिया। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन गया। अब मैं इसकी एमआरपी उठा लेता हूं, उसी नेम, और मैं इसकी एमआरपी उठा लेता, ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ अमाउंट कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ अमाउंट भी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अमाउंट और यहाँ पे सेमी कॉलन
हमें देना है यू यू ई वाई मल्टीप्लाई बाय एम आर पी। यहाँ पे इस तरह से लेना पड़ेगा, पूरा लेना पड़ता है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्वांटिटी ले लिया, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, पूरा लिखना पड़ता है इसमें, या एसक्यूएल क्वेरी अगर आपको आता है तो यहाँ आप एसक्यूएल क्वेरी भी लिख सकते हैं, कॉमा किया आपने, हमने यहाँ पे लिखा अमाउंट एज ए, हमने यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट की एमआरपी, इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है नहीं। सर मल्टीप्लाई नहीं दे रहा है, हम एक्सेल शीट में नहीं कर देंगे, एक्सेल शीट में कर सकते हैं लेकिन यहाँ भी हम कर लेते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, हो जाता है ऐसे भी, यहाँ पे हमने कर लिया रिलेशनशिप कर लिया तो दो फाइलों का डेटा आ गया, बाद में इसको हम रिटर्न टू एक्सेल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कुलेशन, तो वो एक चीज आपको ढूंढना है, नहीं ढूंढ पाएंगे तो कल हम आपको बताएंगे। ठीक है सर। सर ये तो अभी जो रिटर्न टू एक्सेल डेटा है नहीं, जो ऐड किया आप कॉलम, आ जाएगा तो टाइम लग रहा है, हैंग हो गया। ओके ठीक है, बिल लुकअप भी तो लगा सकते थे ना, क्या सब कुछ कर देगा फ्रंट। दूसरी चीज है कि अगर आप फॉर्मूला वगैरह बहुत सारी कैलकुलेशन वगैरह इसमें कर देते हैं तो दिक्कत हो जाती है ना। निकिता वी आर गोइंग टू अप टू हाई, हां हाई हो सकते हैं। ठीक है सर, वो ट्राई कीजिएगा, उसको ट्राई कीजिएगा, हम अगली क्लास में इससे आगे पता बात करेंगे। ठीक है, आगे ओके, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय सर।